कि आपको पता है कि जो बाकी टीम के मेंबरान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो मसरूफ थे, वहाँ पर हमारी आज अहम समातें थी, अलकादर ट्रस्ट केस के साथ साथ तोशाखाना केस की भी समात थी। देखें, हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ये इस्तदा की, बरियत की, तो मुअज्जज जज साहब ने ये कहा कि जो आप नुकात यहाँ पर उठा रहे हैं वो आप अपील में जाइएगा। यानी कोई जज पहले कैसे कह सकता है कि मैंने इसमें सजा देनी और आपने अपील में जाना है? तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसमें किस तरह सजा देने का इरादा बनाया गया है। सेकंड बात यह है कि बरियत की दरख्वास्त यहाँ खारिज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फौरी टेकअप करना चाहिए था। आज वहाँ पर काफ़ी तरले मिनते करने के बाद वो समाअत जो है फिक्स की गई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हुकूमत चाहती है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर डे टू डे हेयरिंग करके फौरन सजा दी जाए। कल पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। खान साहब ने आज अदालत के अंदर खड़े होकर हमला था, उसके साथ कहा कि जनाब आप ऐसा करें कि समाज परसों तक ले जाएं। उसकी रीज़न यह है कि हफ्ते के अंदर एक दिन होता है, मेरी मुलाकात होती है पॉलिटिकल लोगों से, कल का दिन है, तो आपने इस चक्कर में वो भी ज़ाया कर देना है। लेकिन उन्होंने कहा कि जज साहब जो हैं पहले ही जा चुके हैं। फिर क्या हुआ, खान साहब ने कहा कि ठीक है, फिर वो जा चुके हैं, जैसे दूसरे भागते हैं, ठीक है, ओके। अब कल पर समाअत मुलतवी हुई है, तो मैं आपको आपके सामने दो तीन गुजारिशात रखना चाहूँगा। खान साहब ने जो बातें की हैं वहाँ पर हमारे मीडिया के दोस्त थे, वहाँ पर जो डिस्कशन हुई है, और खान साहब का जलसे के हवाले से भी पैगाम मेरे पास है, वो भी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि खान साहब की वाजह क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। नंबर वन चीज़, खान साहब ने कहा है कि ये जो अंपायर हैं, चार अंपायर्स के साथ जो मुल्क के अंदर जुल्म किया गया, जो एक आइनी हुकूमत को हटाया गया, जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, जो 9 मई का हमारे ऊपर मलबा डाला गया, वो चार अंपायर्स में से तीन की एक्सटेंशन के लिए ये आइनी तरमीम करने जा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया, जो 9 मई सानिया हमारे खिलाफ जो बनाया गया, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कि वो खुल ना जाए राज, वो 8 का डाका ना खुल जाए, 9 मई की कहानी सामने ना आ जाए। क्यों हम सीसीटीवी फुटेज का कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि सामने आए। तो उन्होंने कहा उसके लिए एक्सटेंशन जो है वो दे रहे हैं तीन अंपायर को, और इस वजह से ये तरमीम की जा रही है। नंबर वन बात आ गई। नंबर टू, मौलाना फजल रहमान ने जिस तरह रोल अदा किया है, खान साहब ने उस चीज़ को सराहा है। नंबर थ्री, जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है, जो जुल्म जबर है, जो यहाँ पर मुआशी तौर पर बदहाली है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, उन्होंने कहा कि बाहर से इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आती जब वो देखते हैं कि वहाँ पर जो बात करें इन्वेस्टमेंट की, उनकी सारी जायदादें बाहर हैं, और जब गवर्नमेंट लिजिटिमेट नहीं होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। इसी के साथ जो है वो मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि खान साहब ने जलसे के हवाले से बात की है, और खान साहब ने कहा है कि जलसा इंशाल्लाह ताला लाहौर होने जा रहा है, मीनार पाकिस्तान हो रहा है, और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और खान साहब ने वाजह तौर पर पूरी कौम को पैगाम दिया है कि हकीकी आज़ादी के लिए आपने वहाँ पहुँचना है। इस जलसे में हमारा जो सबसे मेन कॉज होगा वो ये होगा कि अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती जो आज इंटरफेरेंस की जा रही है पार्लियामेंट के नीचे, जो है अदलिया को लेकर आना चाहते हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ, जरदारी और इनके मुताबिक जजेस लगाए जाएं, इनके मुताबिक सारा मुल्क चले, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आसानी से, अगर कोई बात ये शिकायत कर देना कि वो बंदा कह रहा है कि आप जो है आपके बारे में या किसी इदारे के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंप्लेंट के ऊपर भी उस बंदे को उठा के मिलिट्री उसका ट्रायल शुरू कर दिया जाए। उसके साथ ये चाहते हैं कि ऐसी आइनी अदालत बनाई जाए जहाँ पर चीफ जस्टिस बैठाया जाए। एक चीफ जस्टिस ऑलरेडी है, तो दो चीफ जस्टिस कैसे हो सकते हैं? फिर आप हर इदारे का चीफ जस्टिस लगा दें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आइनी तरमीम करके छोटी छोटी चीज़ें, ये कर दो, वो कर दो, 199 जो है वो ख़त्म कर दो, फंडामेंटल राइट्स जो है उसके ऊपर कोई बात ना करे, कोई अगर जज उसको कहे कि इस बंदे को प्रोड्यूस करवाना है तो उसे उठाकर बलूचिस्तान ट्रांसफ़र कर दो, तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल में इतनी पेचीदगी में जाने का फ़ायदा ही नहीं है। उससे बेहतर हाल ये है कि आप एक नोटिफिकेशन निकालें, उस नोटिफिकेशन के जरिए कहें कि ये बंदा जो है इसके मुताबिक मुल्क चलेगा, इदारे चलेंगे, अदलिया चलेगी, पार्लियामेंट चलेगी, तमाम जितनी इदारे, पुलिस है, नैब है, जितने इदारे हैं वो उसके नीचे चलेंगे, क्योंकि ये जो तमाशा लगाया हुआ है इस तमाशे का फिर फायदा जो है नहीं होना चाहिए, ये तमाशा बंद होना चाहिए। और जो इस वक्त फॉर्म 47 वाले हैं, आज आपने देखा कि वो कैसे एक्सपोज हो चुके हैं,
वो कैसे उनको बनाया गया, वो कैसे एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि जब उनसे मुसवदा शेयर ही नहीं किया गया, उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया ने देख ली कि इनकी औकात जो है टके की नहीं है। थैंक यू।